देखिए यहाँ पे जो है विद्यार्थी सबसे कैश पेमेंट लिया जाता है, आधा आप जाओगे ना पेमेंट करने के लिए फी का तो कैश लिया जाता है, आप फोन पे बोलते हैं करेंगे तो नहीं करने दिया जाता है। कई बार हुआ है जो हम घूर के गए। 2000 करोड़ है यहाँ का, हम जान रहे हैं। हाँ इतना जान रहे हैं, नहीं यकीन है तो जा करके देखिए। 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ होगा, ज्यादा ही कुछ होगा, 2000 करोड़ ज्यादा ही। ईडी क्या करे जिसके पास ये नहीं है कि हम 1000 स्टूडेंट को बैठा सके, माल भैंस की तरह 4000 स्टूडेंट को एक क्लास में रखे हुए है, कभी 10 जाएगा तो क्या होगा? अगर मान करके चलिए अगर छत ही गिर गया तो क्या होगा, कितना आदमी मरेगा? वहाँ पे 3 स्टूडेंट को दिखा जा रहा है, यहाँ पे 3000 स्टूडेंट दब जाएगा। 3000 एक बार अगर दबेगा तो 3000 स्टूडेंट दबेगा, उसको कोई देखा है? ऐसे यहाँ पे कुछ हो जाएगा ना तो देखने वाला यहाँ नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में बाढ़ आता था पूरा देश जान जाता है, बिहार में आता था देखते हैं कोई नहीं जानता, इसलिए बिहार में कुछ भी हो जाए कोई नहीं जानेगा, क्योंकि पिछड़ा राज्य है। दिल्ली में हुई कोचिंग में घटना के बाद अब पटना के जिला अधिकारी ने एक टीम को गठित किया है, टीम कोचिंग में जा रही है और जो मानक है उसकी जाँच कर रही है। देखिए ये सब छात्र हैं, कोचिंग जो है आज पूरा का पूरा कोचिंग बंद कर दिया गया है, छात्रों को यह नहीं बताया गया है कि आज कोचिंग बंद है, और छात्र जो है पढ़ने आए हुए हैं लेकिन इन्हें पता नहीं है कि कोचिंग आज बंद कर दिया गया है। और देखिए टोटल कोचिंग जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है, पता है था कि कोचिंग आज बंद है? कोचिंग पता नहीं था कि आज बंद रहेगा, हाँ हम लोग को तो मालूम नहीं था, हाँ बट यहाँ पर स्लिप चिपका गया है देखे, हाँ आज खान सर का कोचिंग बंद रहेगा जी, यहाँ पर कुछ पहले से नोटिफिकेशन नहीं था, हाँ ये तो हम लोग का बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, बट पहले से उसमें नोटिफिकेशन नहीं दिया, यहाँ पर आने के बाद कोचिंग आज बंद, हाँ जी कोचिंग बंद है आज, पहले से नोटिफिकेशन सर बताया नहीं, लेकिन कल हम यूट्यूब वगैरह पर देखे कि शायद कोचिंग वगैरह बंद होंगे, कि कल शायद यही मतलब कि इंक्वायरी वगैरह से शायद कल ने अकल करने आए थे ऑफिसर सब, जो जो घटना जो दिल्ली में हुआ था, पटना भी थोड़ा सा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है इसी को लेकर, बच्चे को लेकर, तो इसलिए शायद वो कोचिंग वगैरह आज बंद है, आज बंद है कोचिंग बंद है पता नहीं, अचानक बंद हुआ है जी, क्या क्या आप लोगों को मालूम नहीं था, अभी देखे कि नोटिस लगा हुआ है कि आज कोचिंग बंद है, जो दिल्ली में घटना हुई है उसके कारण इस जांच बैठी हुई है, इधर के सभी कोचिंग बंद, हाँ इधर के सभी कोचिंग बंद है, ये भी बेसिकली ये कैंपस बंद है पूरा, पूरा बंद कोचिंग, यहाँ पे सब कोचिंग जैसे कि खान सर का हो गया, उसके बाद जीएस अकेडमी जो भी हो, ज्ञान बिंदु सब बंद है जी, परेशानी हो रही है, परेशानी तो है सर का, क्लास आज थोड़ा सा छूट गया सर, अब ना तो पूरा रेगुलर क्लास हम लोग को होता था प्रॉपर, कोई बात ना सबको देखना जरूरी, तो रेगुलर क्लास चलता था बंद है सर, बंद है, हाँ बंद है, क्या बताया गया था? नो सर इन्फॉर्मेशन नहीं आया, हाँ नहीं आया अभी, नहीं आया। देखिए इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है कि जो यहाँ पर खड़ा रह रहा है, कोई भी मीडिया टीम आ रही है तो वो डायरेक्ट फोन करके और अंदर बता रहा है कि मीडिया टीम है, और देखिए सभी लोगों को बोल रहा है ये व्यक्ति कि कोचिंग बंद है, क्या सूचना देने का काम कर रहे हो सर? देखिए बंद है, जब बच्चे लोग का कल खुल जाएगा ठीक है, आज बंद होने के कारण कुछ दिल्ली में घटना हुआ इसी बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ गर्मी के दिन कालम भगाते हैं, बच्चा लोग समझा रहे, फोन कर करके बता रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, तो कोचिंग को दे रहे हो? नहीं सर, कहाँ फोन, मेरे सामने फोन किए थे कि अब मीडिया वाला आया है, देखिए सर हम बोले नहीं, मैं दोस्त था जैसे फोन किया था ठीक है, देखिए ये स्थिति देखिए, ये लड़का जो है इन्फॉर्मेशन देने का काम लगातार कर रहा है, और हम कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे, कोचिंग बंद है आज जी सर, क्या सूचना मिली थी जी? सूचना तो नहीं मिली थी, सूचना नहीं मिली, तो देखिए कोचिंग को बंद कर दिया गया है, और देखिए ये पूरा जो है लिखा गया है आज सभी कोचिंग और ऑफिस बंद रहेगा, यानी कि कल जो है जांच हुई है और आज जो है साफ तौर पर लिख दिया गया है, देखिए खान सर की तस्वीर भी है और साफ तौर पर इस पर लिखा गया है आज सभी कोचिंग और ऑफिस बंद रहेगा, कल से चलेगी, कुछ कारण बस बंद है, ये नोटिस दिया गया है साफ तौर पर, आप देखिए नोटिस यहाँ दिया गया है, और कोचिंग के बारे में बता रहे हैं, तमाम कोचिंग जो है यहाँ पर बंद दिख रहे हैं, देखिए सभी कोचिंग बंद हैं, और कल प्रशासनिक तौर पे कोचिंग की जांच की गई थी, खुद खान सर के यहाँ कोचिंग में अधिकारी पहुँचे हुए थे और उन्होंने जांच किया, कई कमियाँ भी पाईं, और आज जो है टोटल कैंपस का कोचिंग जो है वो बंद कर दिया गया, देखिए ये खान सर की कोचिंग है, और ख़ास तौर पर देखिए यहाँ बाउंसर भी रखे गए हैं, और
देखिए तमाम लोग बाउंसर हैं और ये तस्वीरें हम दिखाएंगे और कोचिंग जो है वो बंद है। खान सर कहाँ हैं? खान सर यहाँ पे नहीं है अभी। नहीं नहीं, कहाँ गए हुए? अपना डेरा पे हैं जी, डेरे पे हैं। मुलाकात हो गई कि नहीं? आज तो ऑफिस आए नहीं के, तो मुलाकात कहाँ से होगा? नहीं सर। तो देखिए ये तमाम लोग जो हैं खान सर की सुरक्षा में रखे गए हुए हैं और देखिए जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ शिक्षा की बात होती है, जहाँ देखिए शिक्षा की बात होती है वहाँ हथियार भी रखा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, शिक्षा की बात है वहाँ पर हथियार है और कोने में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो खान सर की सुरक्षा में ये रखा गया है तमाम चीज़ें और ये तमाम बाउंसर जो हैं वो खान सर की सुरक्षा में है। कोचिंग जो है बंद कर दिया गया है। कल जो जांच टीम आई थी उसको 10 मिनट तक जो है वो घुमाया गया सीढ़ियों के द्वारा और तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह की सीढ़ियां हैं खान सर के इंस्टीट्यूट में जाने की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और इस सीढ़ी के द्वारा ही ऊपर जाया जा रहा है। देखिए यानी कि कोचिंग में जिस तरह की स्थिति होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें नहीं हैं और आप देखिए ये इस तरह के मकान हैं और इसी में जो है कोचिंग चलाए जा रहे हैं। कल जब अधिकारी पहुंचे उस समय 10 मिनट तक अधिकारियों से खान सर नहीं मिले, 10 मिनट जो उनके स्टाफ थे अधिकारियों को घुमाते रहे। और देखिए खान सर के अलावे दूसरे भी कोचिंग सेंटर हैं उसकी भी यही स्थिति है और तस्वीरें देखिए कि तमाम कोचिंग जो हैं वो बंद हैं और कोई भी नोटिस जो है पहले से नहीं दिया गया था। जब बच्चे आज पहुँचे क्लास करने के लिए तब उन्हें पता चला है कि आज कोचिंग बंद है। यानी कि दिल्ली की घटना के बाद जब पटना डीएम ने जांच करने के लिए टीम को गठित किया और टीम जब कोचिंग वाले लोगों के पास पहुंची तो कई कमियां जो हैं पाई गई और उसके बाद आज तमाम कोचिंग जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसकी सूचना कल छात्रों को नहीं दी गई थी। बल्कि छात्र जब आ रहे हैं तो यहाँ से बैरन लौट जा रहे हैं तब इनको सूचना दी जा रही है। घटना तो यहाँ भी हो सकता है? नहीं सर, दिल्ली में कोई जानता नहीं कैसे हुआ। कल ढेर में पुलिस आया था, कल बहुत आया था, इसी से बंद हुआ। दुकान तो टोला पूरा बंद है? नहीं नया टोला बंद है, तो यहाँ पर भी तो मकान बन रहा है उसी में पढ़ाई हो रहा है। तो सर नीचे हम लोग पढ़ाई होता है, नीचे होता है, कौन नीचे माने बेसमेंट में? जी है बेसमेंट में पढ़ाई होता है ना? जी नीचे ऊपर में। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? जो पढ़ने की जगह है वो कैसी है? खान सर के पास पढ़ते हैं। तो फिर बंद है तो कैसे? इसका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि क्यों बंद है। आप आए थे पढ़ने के? अब बंद है क्लास, आए थे पढ़ने के लिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं था इसलिए चला आए पढ़ने के लिए। पर अभी देखे तो बंद है तो जाना पड़ेगा। सब इधर नया टोला का सभी बंद है क्या कोचिंग? शायद सभी बंद है क्योंकि अभी तो यहाँ पर जितना कोचिंग है सब तो बंद ही है, तो आगे भी बंद ही होगा। और कौन कौन से बड़े कोचिंग बंद है? सब बड़े कोचिंग तो यहीं पे है सब अधिकतर, और उधर बोरिंग रोड में तो उधर तो हम लोग नहीं पता है क्या है, बट यहाँ पे सभी बंद है। क्या कोचिंग बंद है? हाँ आज कोचिंग बंद है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं दिया गया था। हाँ। इस कारण हम लोग आज आ गए हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है बंद है। हाँ। अब घूम के जाना पड़ेगा। घूम के जाना पड़ेगा, किस लिए बंद किया गया? यही दिल्ली में एक घटना हो गया था बेसमेंट के लेकर, उसी कारण शायद SDM और आए हुए थे, वही नोटिस जारी किया हुआ, आज बंद है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, क्या कोचिंग बंद है? हमको थोड़ी पता है, आप तो खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि डर है। देखिए ना वहाँ पे कुछ लिखल है रीजन बंद होने का, आप बताइएगा ना। आप कॉपी लेके स्टूडेंट? हम तो पढ़ने के लिए आए, यहाँ पर देखे कि बंद है, कुछ लिखल है ये नहीं, तो हम लोग क्या समझेंगे किस लिए बंद है? पता चला होगा वहाँ नोटिस में कुछ लिखा है, हम लोग तो एगो जाने की बेसमेंट में क्लास चल रहा था दिल्ली में। हाँ। तो वहाँ पे ये सब दुर्घटना हुआ, जहाँ पे सामान सब रखाता है लोगों का वहाँ पे क्लास चलाते हैं, बेसमेंट में क्लास चलाने की जगह होती है। यहाँ पर जो नया टोला में क्लास चलता है कुछ ऐसा ही स्थिति है दिल्ली टाइप से? वो लोग आप लोग ना देखिएगा, हम लोग का बात का वैल्यू है यहाँ पे ना, स्टूडेंट का बात का यहाँ पे कोई मान्यता नहीं है। वो लोग आप लोग देखिएगा, आप लोग का क्या बोलते हैं, वो सूत्र बोलते हैं ना,
तो आप लोगों का सूत्र देखेगा, सूत्रों का खबर आएंगे। कुछ दिक्कतें नहीं है, परेशानी का रहेगा उतना साइकिल क्लास नहीं हुआ है, एक भी क्लास नहीं हुआ है। साइकिल चला के आए गर्मी में, हाँ तो क्लास बंद है, कुछ पता ही नहीं है। पता चला है दो चार, लेकिन बोल रहा था कि दिल्ली का प्रभाव यहाँ तक आ गया है, तो वही जानते हैं। और बात दिल्ली आप लोग क्लास लेते हैं, यहाँ पर क्लास में आते हैं पढ़ने, तो यहाँ देखते होंगे ना स्थिति दिल्ली वाला है क्या? नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर सुविधा है, खान सर क्लास पढ़ करके देखे हैं। अच्छा मान करके चलिए दिल्ली वाला स्थिति यहाँ पे कहा जा रहा है, सपोज दिल्ली जैसे एजुकेशन यहाँ पे है, वहाँ जैसे यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था है आप ही सोची है नहीं है, तो फिर यहाँ पे माइक लेकर के घुमाने से आपको क्या फ़ायदा? नीतीश कुमार अपना स्कूल देखा है, चरवाहा विद्यालय अपना देखा है, विद्यालय लालू जी का था, लालू जी का था ठीक है, उसको ट्रीटमेंट ये किया है, आप मान करके चलिए। नीतीश कुमार ने तो बंद करा दिया। कौन? नीतीश कुमार। अरे सुनिए बता दे रहे हैं, आज भी वहाँ पे जाएंगे ना, बकरी ही चढ़ते मिलेगी और भैंस ही चढ़ते हुए मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है, बाथरूम भी सही नहीं है, आप जा करके देखे हैं। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं खान कैंपस हो गया, कोई भी कोचिंग, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद, इसमें जा करके देखिए प्रॉपर व्यवस्था है, इसमें बाथरूम का भी, एक लड़की को बाथरूम जाना होगा, प्रॉपर व्यवस्था है, आप देखें कभी जा करके। नहीं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया किस बेस पर दिया गया ये कभी पता किए हैं? और देने वाला अधिकारी कौन है ये देखें? सुने हैं कि कल यहाँ पे SDM साहब आए हुए थे, पैसा लेने के लिए आए थे, कितना रुपया लेंगे यहाँ से? करोड़ों का इनकम होता है यहाँ के, केवल अगर खान कैंपस और ये जितना भी यहाँ पे कैंपस का बात बोले हम, नियर अबाउट 2000 करोड़ रुपया का है यहाँ पे टर्न ओवर सालाना, कोई जान रहा है कि कितने का है और कितना टैक्स जाता है? 28% ना डिमांड करते हैं, कितना जाता है आपका भी देखें, और कैश पेमेंट कितना लिया जाता है? एक बैच चलाने के बीच में गैपिंग कितना है क्या आप देखे हैं? कितने देर का क्लास चलता है क्या आप कभी देखे हैं? जब ये आप नहीं देखे हैं तो फिर किस बेस पे आकर के आप चेक कर रहे हैं? और SDM साहब कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अपना कभी देखे हैं कितना यहाँ? अच्छा मान करके चलिए आज अब एक दिन पहले का आप न्यूज है, आप क्या पता चला है कि नहीं कि डाटा लीक हो गया है, डाटा लीक हुआ है कि नहीं एजुकेशन का, जो शिक्षा से रिलेटेड जो फॉर्म फिलअप हुआ पहले पहले जी ही ने चलाया था, उसके बाद हड़कंप मची है। ऐसा कोई बात नहीं है तो ये बताइए उस पर जांच कभी हुआ है? अच्छा सुनिए BPSC के चेयरमैन को आके बोलना पड़ा। अच्छा उसके बाद हम बता रहे हैं कि जितना भी 250 स्टूडेंट पकड़ाया, 300 पकड़ाया, क्या आप कभी जांच उसका जो एक चीज बताइए, आप बोल रहे थे टर्नओवर जो है यहाँ पर जो स्थिति है कैसी है? पैसा कमाई का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है विद्यार्थी सबसे कैश पेमेंट लिया जाता है, आधा आप जाओगे ना पेमेंट करने के लिए फी का तो कैश लिया जाता है, आप फोन पे बोलते हैं करेंगे तो नहीं करने दिया जाता। कई बार हुआ है जो हम घूर के गए हैं, ऐसे ही होता है। टर्नओवर भैया तो बताए नियर अबाउट 2000 के आसपास, 2000 करोड़ यहाँ का है, 2000 करोड़ है यहाँ का, हम जान रहे हैं। हाँ इतना जान रहे हैं, नहीं यकीन है तो जा करके देखिए, 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ होगा, ज्यादा ही कुछ होगा, 2000 करोड़ ज्यादा ही होगा। किस तरह से पेमेंट कैश पेमेंट लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से कितना बार हम लोग गए हैं तो रिटर्न आ चुके हैं जी, कुछ ज्यादा ही जितना बोल रहे उससे कुछ ज्यादा ही लिया गया। मैंने सभी कोचिंग का ही हाल यही सब कोचिंग का, सब ऑफलाइन जितना भी ऑफलाइन जी सब कोचिंग का यही हाल है। ईडी क्या कर रही है जिसके पास ये नहीं है कि हम 1000 स्टूडेंट को बैठा सके, माल भैंस की तरह 4000 स्टूडेंट को एक क्लास में रखे हुए, कभी 10 जाएगा तो क्या होगा? अगर मान करके चलिए अगर छत ही गिर गया तो क्या होगा, कितना आदमी मरेगा? वहाँ पे 3 स्टूडेंट को दिखा जा रहा है, यहाँ पे 3000 स्टूडेंट दब जाएगा, 3000 एक बार अगर दबेगा तो 3000 स्टूडेंट दबेगा, उसको कोई देखा है? ऐसे बिहार में कुछ हो जाएगा ना तो देखने वाला यहाँ नहीं है, जैसे मैं दिल्ली में बाहर आता तो पूरा देश जान जाता है, बिहार में आता तो देखते हैं कोई नहीं जानता, इसलिए बिहार में कुछ भी हो जाए कोई नहीं जानेगा, क्योंकि बिछड़ा राज्य है। यहाँ पे बाढ़ आएगा तो हवाई सर्वेक्षण होगा, ठीक है? क्या स्थिति है आप बताइए, लोग ने अपना अपना स्थिति, यहाँ स्थिति खराब है, पढ़ाई का भीड़ भाड़ ज्यादा है, राहुल भी ज्यादा है, और क्या पढ़ाई का 3000 बातों का प्रॉब्लम है, और क्या
क्या? किसी भी क्लास में स्ट्रेंथ को दे करके, मतलब एक क्लास में मिनिमम 150 से 200 स्टूडेंट होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यहाँ लगता है एक हॉल में लगभग 1500 से अधिक स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली वाले मामला को देख करके सीखने की आवश्यकता है कि कम से कम 200 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए वो क्लास में, आप पूरी सेफ्टी के साथ क्लास चलनी चाहिए, बस यही। दूसरा क्या हो सकता है? खान सर मिले जरूर थे कल अधिकारियों से, लेकिन कागजात की कई चीज़ें जो कागजात में हैं कमियां पाई गई थी और अधिकारियों ने उनसे कागजात मांगे हैं। कैमरा अभिषेक के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।